अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैंगलोर की फेमस गोली भजे की रेसिपी। ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है और जल्दी से बन जाती है। चलिए इस रेसिपी को बनाना देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 कप जितना ये मैदे का आटा लिया है। अब इसमें जाएगा ये कोकोनट है, मैंने इसको पीसेस में कट कर लिया है, 1/2 कप जितना मैंने लिया है। अब इसको डालने के बाद अब इसमें डाल देंगे ये मैंने शक्कर ली हूँ 2 चम्मच जितना, और इसमें जाएगा ये ज़ीरा 1/2 चम्मच, और ये 2 हरी मिर्च को मैंने बारीक सा काट कर ली हूँ, इस तरह से बारीक सा चॉप कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे 1 इंच जितना ये अदरक को मैंने इसको भी ग्रेट करके लिया है, इसको भी बारीक सा चॉप कर ले लेंगे। अब इसमें जाएगा 1/2 चम्मच नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, और 1/2 चम्मच इसमें जाएगा बेकिंग सोडा। अब यहाँ पर मैंने ये दही ली हूँ, ये 1 कप जितना दही है, इसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा सा पतला बना कर लिया है। अच्छे से इसको फेंट लेंगे दही को और इसमें मिक्स करेंगे। ये 1 कप जितना दही है और थोड़ा थोड़ा डाल के इसको इस बैटर को मिक्स कर लेंगे हाथ के मदद से। इसको पतला नहीं करना है, इसको थिक ही रखना है बैटर को, इसके लिए थोड़ा थोड़ा डाल के दही को इसको अच्छा साइज़ का एक बैटर तैयार कर लेंगे थिक सा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और इसमें दही ऐड करके ले ली हूँ, और इसको अच्छी तरह से इस तरह से इसको मसल लेंगे। और अब यहाँ पर ये बैटर मैंने तैयार कर लिया है, इसको मैं ढक के इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए रख दूँगी। 1 घंटा हो जाने के बाद अब हमें इसको फ्राई कर ले लेंगे। इसको फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर पैन में ऑयल को डाल दी हूँ, और ये ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे और इस तरह से इसको हाथ में लेकर इस तरह से इसको भजे को इस तरह से ऑयल में छोड़ देंगे। आप इसको चम्मच के मदद से भी डाल सकते हो, इस तरह से एक एक करके इसको डाल देंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत ही मज़े की लगती है। अब इन सबको भजे को डालने के बाद ऑयल में इसको 2 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे, और 2 मिनट बाद इसको पलट लेंगे। इस तरह से पलट पलट के इसको 4 से 5 मिनट के लिए इसको फ्राई कर ले लेंगे, अच्छा सा ये गोल्डन कलर आ जाए जब तक इसको हम लोग फ्राई कर ले लेंगे। अब ये भजे तैयार है। अब इसको मैं निकाल कर इसको एक टिश्यू पेपर में रख दूँगी ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है निकल जाए, और इसको हम लोग सर्व कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इस गोली भजे को मैंने कोकोनट चटनी के साथ में सर्व कर लिया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़।